हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं अपना एक न्यू टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है cDNA लाइब्रेरी, जो कि एक मॉलिकुलर बायोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट बायोलॉजी का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं cDNA लाइब्रेरी। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि लाइब्रेरी यहाँ पर नाम का शब्द दिया है। जिस प्रकार अपनी स्कूल्स कॉलेजेस में भी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में क्या रहती है, बुक्स ऑफ कलेक्शंस इज नोन एज लाइब्रेरी। ठीक है, वो लाइब्रेरी का वहाँ पर किस चीज़ का कलेक्शन रहता है, बुक का कलेक्शन रहता है। लेकिन जो cDNA लाइब्रेरी रहती है वहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग DNA का क्या रहता है, कलेक्शन रहता है। किस फॉर्म में रहता है, पेट्री प्लेट के फॉर्म में उसे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। आप देखिए cDNA का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इसको बनाया किस तरीके से जाता है, फिर हम समझेंगे इसे पेट्री प्लेट में स्टोर किस तरीके से किया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें cDNA क्या होता है, तो ये क्या होता है, क्लोन DNA रहता है। क्या रहता है ये बेटा, क्लोन DNA रहता है। एक DNA को प्लास्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन DNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, cDNA इज अ लाइब्रेरी कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लोन DNA फ्रेगमेंट्स। क्या रहता है, क्लोन DNA का क्या रहता है, फ्रेगमेंट्स रहते हैं इंसर्टेड इन द कलेक्टेड होस्ट सेल्स। किसमें, होस्ट सेल में क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है, उसे अरेंज किया जाता है किसमें, पेट्री प्लेट्स में। बेटा कुछ नहीं होता है, DNA को फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया जाता है, क्लोन DNA को। उस DNA को कायम इंसर्ट कर दिया जाता है, एक किसी होस्ट सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है, और उस होस्ट सेल्स में उसमें कायम है, उसको किसमें अरेंज किया जाता है, पेट्री प्लेट में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। अब हम समझते हैं कि सिंथेसिस कैसे करते हैं cDNA का। देखिए बेटा, सबसे पहले समझना होगा कि जो cDNA रहता है वो RNA से सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो जो RNA रहता है वो 5' to 3'। ठीक है, mRNA जो रहता है वह किसका फॉर्मेशन करता है, DNA का फॉर्मेशन करता है। RNA से क्या बनाएगा, DNA। मेनली केसेस में क्या होता है, DNA से RNA बनता है, लेकिन RNA से भी DNA बन जाता है। वो किससे बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड क्या करता है, RNA से DNA का रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड क्या होता है, हम भी फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए कि वो RNA से क्या बनाता है, DNA बनाता है। अब देखिए, जो ऊपर वाला जो DNA रहता है, ये DNA पूरा बन जाएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या हुआ है कि ये वाला जो DNA, अब ये पूरा बन गया है एक लूप लाइक स्ट्रक्चर, और जो ऊपर का DNA था, जो RNA था, वो क्या हो गया है, डिग्रेड हो गया है। अब देखिए, डिग्रेड होने के बाद क्या हो गया है, जो DNA था उसने क्या किया है, DNA पॉलीमरेज आकर इसने पूरा DNA का फॉर्मेशन कर दिया है। तो यहां पर कितने फॉर्मेशन बन गए, दो लूप का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर दो लूप के फॉर्मेशन होने के साथ साथ यहां पर एक लूप बन रहा है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हेयर पिन लूप। क्या बोलेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, हेयर पिन लूप बनाएगा। हेयर पिन लूप बनाने के बाद आप देखिए जब हेयर पिन लूप को अपन क्या करेंगे, जब इसे भी काटना पड़ेगा, हेयर पिन लूप को हटाना पड़ेगा, तो हेयर पिन लूप को हटाने के लिए कौन आएगा, S1 न्यूक्लियस आएगा। S1 न्यूक्लियस आकर कहाँ बाइंड होगा, लूप पर आकर बाइंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए, लूप पर बाइंड होने से वजह से क्या कर देगा, इसको कट कर देगा, किसको, लूप को कट करने के बाद यहाँ पर अपने पास दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपना क्या बन गया, cDNA। किस तरीके से बनता है, पहले RNA से क्या बन जाता है, DNA के आने से RNA क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड होने के बाद DNA पॉलीमरेज DNA का फॉर्मेशन कर देता है, हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। हेयर पिन लूप को फॉर्मेशन को डिग्रेड करने के लिए कौन आता है, S1 न्यूक्लियस आता है। S1 न्यूक्लियस करने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर दो DNA का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। देखिए, जो cDNA रहता है, पहले हम इसको क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करता है, उसे छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में क्या कर देता है, कट कर देता है। तो जो DNA रहता है उसको हम क्या कर देंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। अब जो प्लाज्मिड है उसको भी हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस, जो भी हम उसे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, फर्दर आने वाली वीडियोस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए, जो प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया गया है, तो कट करने के बाद देखिए, इस DNA को, इस फ्रेगमेंट के DNA को कहाँ इंसर्ट कर दिया है, यहाँ पर प्लाज्मिड में आकर इंसर्ट कर दिया है, जो कि DNA लाइगेस के थ्रू बाइंड हो जाएंगे। ये दोनों बाइंड हो जाएंगे तो अपन इलेक्ट्रोपोरेशन, एक और मेथड आता है बेटा, क्या आता है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के थ्रू हम इसे क्या, किसमें, ई कोलाई में, किसमें बेटा, ई कोलाई में,
ई कोलाई में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, और इसे बैटरी प्लेट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, हम ट्रांसफर कर देंगे। देखिए सी डीएनए क्या होता है, एक क्लोन डीएनए रहता है जिसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं किसी होस्ट सेल में और उसको ट्रांसफर का अरेंजमेंट का कर देते हैं, बैटरी प्लेट में कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम आरएनए से पहले आरएनए से क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। डीएनए की आने की वजह से आरएनए क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। डीएनए का पॉलीमराइज का दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, हेयर पिन लूप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर को हटाने के लिए S1 न्यूक्लियस आता है जो कि इसको रिमूव कर देता है और दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए सी डीएनए बन गया, वैसे बात आती है इंसर्ट करने की। तो इंसर्ट करने के लिए हम प्लाज्मिड को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देते हैं। डीएनए को भी, सी डीएनए को भी क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देते हैं और उन्हें डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन की मेथड से ई कोलाई में ट्रांसफर कर देते हैं। ई कोलाई में ट्रांसफर करने के बाद बैटरी प्लेटफॉर्म ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये था हमारा सी डीएनए लाइब्रेरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।